ओम शांति। आज आपका 137वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा अंतर्मुखी सदा सुखी ये वरदान के बारे में हमें समझाते हैं कि आप जब इंट्रोवर्टेड या अंतर्मुखी बन जाते हैं, आप बाहर मुक्ता में नहीं ज़्यादा आते हैं, ना ज़्यादा आप किसी से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बातें तो करना ठीक है, काम के लिए तो बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन फालतू बातें, किसी और के बारे में बातें हैं, किसी की निंदा करनी, किसी की स्तुति करनी, किसी में गलतियां निकालना, किसी में फॉल्ट्स निकाल करके उसको नीचे दिखाना, ये सारी चीज़ें जब आप नहीं करते हैं, आप अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालते हैं, उसमें ज़्यादा समय बिताते हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को ज़्यादा आप मनन करते हैं, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले, विघ्न जीत भवा, विघ्न को जीतने वाले। विघ्न कब आते हैं? जब हम बाहर मुक्ता में ज्यादा आते हैं। परमात्मा ने कहा है कम बोलो मीठा बोलो, है ना, कम भी बोलना है मीठा भी बोलना है और धीरे बोलो। तो कोई भी चीज़ में अगर हम फटाफट करते हैं, इसका मतलब मन के अंदर संकल्प तेज चल रहे हैं। जिसके मन के अंदर संकल्प तेज चल रहे होते हैं वो स्मार्ट नहीं होता, वो अपनी ऊर्जा को बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा होता है परमात्मा के अनुसार, और उसके मन में शांति नहीं होती। वो ना खुद शांत होता है ना किसी और को शांत होने देता है। उसके मन में फटाफट एक के बाद एक आइडियाज़ आते रहते हैं, और उन सारे आइडियाज़ में कोई एक आइडिया जो कि सही होता है वो अप्लाई नहीं होता। उसके अंदर व्यर्थ ज़्यादा होता है और समर्थ काम कम होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माएं काम बनाने की जगह बिगाड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुखी की जगह बाहर मुक्ता में ज़्यादा होती हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट गुफा में चले जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड चले जाते हैं। उनको किसी भी चीज़ से या किसी व्यक्ति से कुछ लेन देन नहीं होता, चुपचाप होते हैं, वो अपने साथ बैठे होते हैं, अपने बुद्धि के अंदर सारे आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं। वो बाहर मुक्ता में नहीं आते, मतलब बाहर कर्मेंद्रियों के द्वारा आंसर्स नहीं ढूंढते। इंसानों को बहुत कांटेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम 10 लोग से 10 राय लेते हैं और फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि करना क्या है। परमात्मा कहते हैं राय सबकी ली तुमने, लेकिन तुमने उतने ही विचार अपने मन बुद्धि में डाल दिए, जिस कारण से जो राइट विचार था वो समझने के लिए तुम्हें इंट्रोवर्ट मतलब कि अंतर्मुखता में जाना पड़ेगा, जहाँ करके तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे लिए वो सबसे अच्छा सुझाव, सबसे अच्छी बात क्या है। हर इंसान के अपने खुद के सुझाव अपनी सिचुएशन के अनुसार होते हैं, अपने संस्कारों के अनुसार होते हैं। हर किसी का सुझाव हमारे लिए काम नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, है ना। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, अंडरग्राउंड मतलब ये नहीं कि लोगों से दूर हो जाना है, फैमिली से दूर हो जाना है, बातचीत नहीं करना, वो नहीं। परमात्मा कहते हैं अंडरग्राउंड मतलब अपने ही मन की गुफा में चले जाना, मन के अंदर बातें करना अपने आप से, अपने आप को समझाना, मीठी मीठी बातें समझाना, परमात्मा की दी हुई विजडम की बातें, विवेक की बातें अपने आप को याद दिलाना पूरे दिन भर। फॉर उदाहरण के हिसाब से देखा जाए कि जैसे परमात्मा ने कहा है अंतर्मुखी होने के लिए, तो अपने आप से बातें करना, अच्छा अंतर्मुखी से मुझे क्या फ़ायदा है, ठीक है मेरे मन के अंदर थॉट्स कम चलेंगे, अच्छा तो थॉट्स कौन से चलाऊं मैं आत्मा, अच्छा तो परमात्मा ने कहा है आज सत्यु कैसा होता है, सत्यु का ज्ञान दिया है ना, कल्प वृक्ष कल वरदान दिया था परमात्मा ने, पिता ने आज बताया कि बहुत ज़्यादा औरों के बारे में सोचने से हम अपने आप को भूल जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, तो आज मुझे सबके ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। ये सारी छोटी छोटी बातें, अपने आप से बातें करना, सेल्फ टॉक कहें इसको या सेल्फ काउंसलिंग कहें, उसको कहते हैं अंतर्मुखता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर मुक्ता में आएंगे तो आप ये बातें नहीं कर पाएंगे अपने आप से, तो इससे मन की शक्ति नहीं बढ़ती। फिर परमात्मा कहते हैं आगे देखें आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। अगर घर के लोग जो हैं जो कि बाहर मुक्ता में हैं, फालतू बातें करना, इधर उधर की बातें करना, औरों की निंदा करना, औरों की खींचतानी करना, औरों के साथ में हंसी मजाक करना, बेकार की बातें करना, उसमें अगर आपका मन बुद्धि चला गया तो आपकी ऊर्जा, आत्मा की पवित्रता की ऊर्जा खत्म होती है, सत्यता खत्म होती है और आपका समय बिगड़ता है। फिर आप कहते हो
अरे आज पूरा दिन तो अच्छा लगा, बहुत मजे किए, लेकिन मैं थका हुआ क्यों हूँ, मुझे मेरे में थकावट क्यों आज पूरे दिन। तो मन थकता है तो शरीर थक जाता है, क्यों? क्योंकि हम बाहर मुक्ता में बेकार की बातों में अगर आते हैं तो हम अपना समय और अपनी शक्ति संकल्पों को वेस्ट करते हैं। तो अंतर्मुखी रहना, अपने साथ बात करना, और अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना आप व्यर्थ बातों से बचे रहेंगे। आपके मन बुद्धि में हाई वाइब्रेशन होने के कारण जो बेकार की बातें घर में या ऑफिस में या आपके बिजनेस के प्लेस में चल रही हैं वो आपके मन में नहीं आएंगी। कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, वो वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन आपकी हाई वाइब्रेशन होने के कारण आपके मन के अंदर वो घुसेंगी ही नहीं बातें, तो आप सेफ रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी। मनन किस चीज़ का करना है? परमात्मा का मनन करो या तो फिर औरों की बातों का मनन करो। औरों की बातों का मनन करना, प्रॉब्लम्स का मनन करना, दिक्कतों का मनन करना और शक्ति गंवाना, परमात्मा की बातों का मनन करना शक्ति बढ़ाना होता है। तो बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। माया मतलब क्या? व्यवहार की बातें, नेगेटिव बातें, इम्प्योर बातें, उसको भी माया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता में आते भी, अगर बाहर मुक्ता में आना पड़ता है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख। अंतर्मुख मतलब कि बाहर की ज़्यादा बातें नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी के ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं करना, अपने ऊपर सब कुछ फोकस करना। वो तभी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हो पाएगा। तो अंतर्मुख, हर्षित मुख। अगर आपके अंदर परमात्मा की बातें चले तो आप हर्षमुख रहोगी, और आपके मन के अंदर औरों के बारे में बातें चल रही हैं, औरों की गलानी करना, औरों की बेइज्जती करने की बातें, औरों के बारे में ज़्यादा सोचना, औरों की गलतियाँ निकालना, दुनिया में ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी है, ये ऐसे हैं, बाजू वाले ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, अगर ये करते रहेंगे तो आप हर्षोन्मुख नहीं रह पाएंगे, अंतर्मुखी नहीं रह पाएंगे, और फिर आपके अंदर शक्तियाँ भी कम होंगी और ताकत कम होती जाएगी, तो दुख बढ़ेगा, सैडनेस बढ़ेगी। तो फिर आकर्षण मूर्त रहो। तो आकर्षण मूर्त कब हो पाएंगे? जब हमारे अंदर शांति होगी, हमारे अंदर सुख होगा, सारी सिचुएशंस चारों तरफ हलचल की, लेकिन आप अंतर्मुखी हो, आप सदा सुखी हो, आप हलचल में आने वाले नहीं हो। लेकिन जो इंसान बाहर मुक्ता में होता है, अचानक कुछ आ गया, लेट्स से भूकंप आ गया अचानक, और बाहर मुक्ता में हो तो आप 1 ही सेकंड में हिल जाओगे, लेकिन जो इंसान अंतर्मुखी होगा वो 1 सेकंड में अपने आप को संभाल पाएगा। फिर बाबा कहते हैं कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो, अंतर्मुखी होने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कभी भी टेस्ट पेपर आ सकता है। तो समय की बचत होगी, एक तो समय बचेगा आपका व्यर्थ बातों से, और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। किस चीज़ में सफलता? जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें आप अंतर्मुखी होकर के गुफा में जा करके आप 10 संकल्प नहीं, 1 संकल्प बिल्कुल महीन बनाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। वो कब हो पाएगा? जब आप अंतर्मुखी बन पाएंगे, अपनी गुफा में जा पाएंगे। तो आज का ये वरदान बहुत ही गहरा, इसके बारे में भी मनन करें, ये कहना क्या चाह रहे हैं परमात्मा, तब और शक्ति बढ़ेगी। तो आज का आपका दिन सुखी हो, आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, घर में रहें। ओम शांति, स्टे प्रोटेक्टेड।